वेलकम टू माय चैनल फॉर डेकोरेशन। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत आज मीडिया में से बात करते हुए बेहोश हो गई और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। आदि से शादी के बाद राखी सावंत काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रही हैं। कभी कोई मसला इनके साथ क्रिएट होता है, कभी आदि उनको मारते हुए नजर आते हैं। राखी सावंत के साथ असल में स्टोरी क्या है, ये तमाम डिटेल्स आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इवन के खुद राखी आपको बताएंगी कि आदिल ने उनके साथ क्या क्या फ्रॉड किए हुए हैं और उन्होंने आदिल को अरेस्ट क्यों करवाया। तो ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए काइंडली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसके बाद की भी आने वाली हर लेटेस्ट शोबिज़ न्यूज़ सबसे पहले हमारे व्यूअर्स तक पहुंच सके। राखी सावंत हमेशा से ही अपनी बोल्ड ड्रेसिंग और अपने बोल्ड करेक्टर की वजह से हमेशा से ही अपने आप को उन्होंने इन रखा हुआ है। अभी रिसेंटली उन्होंने काम किया बिग बॉस में और सलमान खान के साथ भी उनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, लेकिन आदिल से शादी के बाद वो हमेशा क्राइसिस में ही रही हैं। आइए आपको राखी सावंत की जुबानी ही बताते हैं। अभी वो क्या स्टेटमेंट देते हैं और अभी देखते हैं, पुलिस उनकी स्टेटमेंट ले रही है, रिमांड में लिया हुआ है अंदर। अभी अभी आपने आगे क्या सोचा है कि अगर वो आपके पास आ रहे हैं, आपसे जैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो मुझे कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल रहे हैं कि हम फिर से रहेंगे, फिर से हम लोग, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं बोली मैं नहीं मानती, मैंने 7 महीने से तुम्हें मैंने इतना माफ़ किया है, तुमने इतना मारा मुझे, इतना पैसा ले लिया, माफ़ किया, पैसा डिनाई कर रहा है कि मैंने नहीं लिया। और मैंने 1.5 करोड़ और अभी 10 लाख का मेरे रादिल प्रोडक्शन में घपला किया है। रादिल आदिल और रादिल का प्रोडक्शन में 10 लाख का झूठा अकाउंट खोल के उन्होंने, झूठा गुमस्ता, झूठा प्रोप्राइटरशिप, वो सब खोल के, मैं बिग बॉस हाउस में थी तो रादिल प्रोडक्शन में अपना सोलो अकाउंट खोल के बोलता मैं प्रोप्राइट, फिर मेरे को 30 तारीख को भी मारा, फिर मेरे को 31 तारीख को भी मारा। ये लड़की उसको बोलती गई, उसके प्यार में एकदम बावड़ा पागल हो गया, क्या किया उसको मालूम नहीं, और मुझे इतना मारा, बीवी को मारा, इतना मारा। फिर मैंने कुपर में जाके सारे जख्म वख्म दिखाए, मैंने आपको सर्टिफिकेट भेजे हैं, अंदरूनी जो जख्म मैंने मेरे ज़्यादा है। अभी बच्चा प्लान कर रहे थे राखी, प्लीज। अभी हम लोग बच्चा प्लान कर रहे थे, मैं और आदिल, मैं आधी मरी हुई जिंदा लाश, उसने मुझे धक्का मारा, मारा इतना मारा, और मैंने 28 तारीख को भी मारा, फिर मेरे को 30 तारीख को भी मारा, फिर मेरे को 31 तारीख को भी मारा। ये लड़की उसको बोलती गई, उसके प्यार में एकदम बावड़ा पागल हो गया, क्या किया उसको मालूम नहीं, और मुझे इतना मारा, बीवी को मारा, इतना मारा। फिर मैंने कुपर में जाके सारे जख्म वख्म दिखाए, मैंने आपको सर्टिफिकेट भेजे हैं, अंदरूनी जो जख्म मैंने मेरे ज़्यादा